कहाँ है रे बच्चों, कुछ क्वेश्चन वेश्चन होता है? होता ये रेजिस्टेंस के थोड़े बहुत ट्राई करके देखे थे। है पूरा अभी आंसर तक तो हो तो रहे हाँ डीसीटी वन के, तो होगा है डीसीटी वन के हो जाएंगे, पर कोई बहुत भारी नहीं है, सर, हाँ सर, सब आसानी से होगा। बट ये है कि थोड़ा लॉजिक, कुछ कैपेसिटर में पढ़े थे और कुछ रेजिस्टेंस में पढ़े हैं ना, तो ये ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है। ये जो क्वेश्चन था, कुछ पूछना है पहले डाउट्स जरा बता दे, कुछ तुम लोगों को कहीं डाउट्स है तो बता दूं, कहीं पे तुम लोगों को कहीं कोई डाउट है तो बता दो। बन सर वो डीसीटी के तो बन गए थे। गए, कोई डाउट हो पिछला, कुछ भी पूछना हो कहीं से रेजिस्टेंस का तो बताओ। सर नहीं है डाउट। कोई डाउट नहीं रे, पढ़ते में तो डाउट हाँ कहाँ सर, है रे। अनुष्का, शाश्वत, ऋषिपा, कुशाग्र, किसी को कोई डाउट है तो बताए, बोलो। सर इसका फिफ्थ क्वेश्चन बता दो। फिफ्थ कौन सा क्वेश्चन काय का टेस्ट का। टेस्ट का तो व्हाट्सएप पे बता देंगे, टेस्ट तो डिस्कस करेंगे ना रे। देखो ये 12 वोल्टर है, ये 12 वोल्ट है ना, हाँ सर, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, मान लो प्लस क्यू, यहाँ आ गया माइनस क्यू, यहाँ आएगा माइनस क्यू, यहाँ आ जाएगा प्लस क्यू, क्योंकि एरिया दिया हुआ, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, ये कैपेसिटर सी और ये कैपेसिटर भी सी है, तो ये दोनों कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर में क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी पता वी पता, ठीक है, तो हम लिख देंगे एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय टू सी, दूसरे कैपेसिटर में क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू का वैल्यू यहाँ रख दो, सॉल्व कर दो, तो इट इज सी वी स्क्वायर, सी मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी स्क्वायर हो गया। अब ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वैल्यू सब तुम्हारे को पता है, जोड़ देना, अरे आता हाँ रे, सर, समझ ठीक। हाँ सर, में आ गया, चलो आगे बोलो रे, फटाफट बोलते चलो, किसी को और कुछ पूछना हो तो बता दे, किसी को और कुछ पूछना है तो बता दे रे, नहीं सर, सर, नहीं हाँ सर, पूछना, चलो आगे बढ़े। यस सर, हाँ हाँ सर, तो ये क्वेश्चन तुम लोग को होम असाइनमेंट दिए थे, ये डिस्कस हो गया था क्या? देखो तो बताओ नहीं सर, नहीं सर, अभी नहीं नहीं हुआ सर, कहाँ आंसर आया। ट्राई किए तुम लोग घर पे? एट आर एट बाय 15 सर, आर 6 आर बाय 11, बाय 15 मतलब फिर चार, एट आर बाय एट आर बाय 15 15 एट आर बाय 15, तो क्या करेंगे, आंसर तो हमको नहीं पता, देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो दोनों आज हम लोग को थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन भी करना है, पहले ये वाला कंप्लीट करें, पहले तो देखो कि हमें निकालना है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, सॉरी पी एंड क्यू, तो इसके इसके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ देते हैं वी वोल्ट का, और इस हिसाब से फिर सोचते हैं माइनस प्लस, इधर से करंट गया मान लो आई वन, इधर से करंट गया आई टू, और इधर से करंट गया आई थ्री, आई थ्री इधर से निकला, आई टू इधर से निकला, और आई वन इधर से निकला। अब देखो कि इधर से जो आई टू जा रहा है, ये यहां से ऐसे जाके इधर डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पे जंक्शन पे नहीं आ रहा है ना, तो क्योंकि ये जंक्शन पे नहीं आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, हम इस सर्किट को जो ओपन करेंगे, क्योंकि ये जंक्शन भले ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बट ये बिहेव कर रहा है जैसा ये जुड़ा हुआ नहीं है, अबे हाँ ना, ये ऐसा बिहेव कर रहा है ना कुछ, हाँ सर, ये ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि ये जंक्शन ओपन है, ये हमारा पॉइंट पी है और ये हमारा पॉइंट क्यू है, सारे रेजिस्टेंस आर 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 है, तो ये आर और आर क्या हो गया, टू आर, ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये दोनों को मिटाते हैं और इसको लिख देते हैं टू आर, और इसको भी मिटा के टू आर, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो गया टू आर और ये भी हो गया टू आर, बाकी तो समझ गए, अब क्या करना है, यस समझ गए, ये दोनों रेजिस्टेंस हाँ टू आर और आर पैरेलल में, कितना हो जाएगा टू आर बाई थ्री, टू आर बाई टू थ्री आर और आर कितना हो जाएगा, ये पूरा तीनों जोड़ के एट आर बाई एट थ्री, आर बाय टू थ्री एट आर एट आर बाई थ्री ना, ये सारे जोड़ करके आ जाएगा एट आर बाई थ्री, और ये हो जाएगा दोनों
टू आर बाई थ्री, ये टू आर बाई थ्री और ये एट आर बाई थ्री कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल में, पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पीक्यू इज एट आर बाई थ्री इंटू टू आर बाई थ्री डिवाइडेड बाई एट आर बाई थ्री प्लस टू आर बाई थ्री, कितना बनता रे? अब यही किए थे, बोलते का नहीं बदो। एट आर बाई फिफ्टीन आया था सर। तो ये बोल रहा है एट आर बाई फिफ्टीन इज द आंसर। कितने कितना किसका सही था? एक तो अर्पित चिल्ला रहा तब से सर, मैं अक्षत, मेरा भी सही है सर, मेरा था अक्षत। अक्षत और ऋषिबा, अनुष्का, अनुष्का और शाश्वत। अबे तू लोग का शकल थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे कि तू मेरा मेरा कर रहे हो, समझ में आया? हाँ ये क्लियर है, क्लियर yes, है, डाउट है? चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। वही क्वेश्चन है, सारा फिगर वही है, तुम्हें निकालना है रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ओ एंड पी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ओ एंड पी? समझ गए कहानी? अब है समझ गए? यस सर, यस सर, चालू हो जाओ। यस सर। सर आर बाय टू, आर बाय टू, इतना आसानी से आंसर कैसे आ गया? आर बाय टू बोल रहा है रे, थोड़ा बुद्धि लगाओ। ठीक है, मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, रेजिस्टेंस ये बोल रहा है आर बाय टू। ठीक है, अब पता नहीं, हमें पता नहीं है रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपी, और कोई इसमें से तुम कौन कौन से रेजिस्टेंस को हटाओगे? हटेगा कोई? ये पहला है, ऊपर वाले तीनों, उसके उधर वाले साइड के निकल देंगे, सातवां आठवां। कौन सा रेजिस्टेंस को हटाओगे? सर टू थ्री और सेवन, टू थ्री और सेवन, और सेवन को हटा दोगे? इतना लपड़ मार मुंह पे, बैल कौन रे? बैल है कौन? नाम बता रहे, नाम बता, कौन रे बैल? अक्षर। यस सर। नहीं सर, दिव्यांशु ना। अच्छा तू अक्षर दिव्यांश उसके नाम पे हाँ बोल रहा है, एक लपड़ मारे है दिव्यांश। यस सर सॉरी, बोलो। ठीक है, गलत है रे इसका मतलब। अदिति बोलो रे। चलो हम बताते हैं, देखो थोड़ा समझो। ठीक है, और कोई बोलना चाहता है बोले, कोशिश तो करो समझने का, ट्राई करो। फर्स्ट और सेकंड को हटाना, सेवन वाला हटेगा, सेवन वाला हटे, और एक गधा बोलता है दूसरा तीसरा और सातवां हटे, एक बोल रहे सातवां हटेगा, और रे और किसी को लगता है सर एट और सेवन, एट और सेवन, एट और सेवन, और देखो अब बोलो फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ और सिक्स, वेरी गुड सर। फर्स्ट और थर्ड, एंड फर्स्ट और थर्ड। नाउ लेट्स सी, तुम लोग गधा हो ठीक है, इसलिए किसी को भी हटाते रहो। देखो ओ और पी के क्रॉस जब हम बैटरी जोड़ेंगे, देखो हम बैटरी जोड़ रहे हैं, समझो इसको, ये हमारा निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस। तो अब देखो समझा रहे हैं, सुनो, तुम लोग समझते नहीं हो, सब गलत करके बढ़ जाते हो, इसलिए हम धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, स्पीड हम नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोग लॉजिक समझ में आता नहीं, ऑनलाइन तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं समझना। ये जो है ये ऐसा रेजिस्टेंस, देखो इस लाइन के अबाउट देखो, ये जो हमने लाइन बनाया है ग्रीन रंग से बना रहे हैं, इस लाइन के अबाउट देखो, फिगर इधर का सिमेट्रिकल है ना, इधर का ट्राइंगल और इधर का ट्राइंगल सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होने का मतलब हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं? यस सर सेम होगा। अबे सेम होगा कि नहीं? यस सर होगा, सेम होगा। यस सर, दोनों पॉइंट को हम जोड़ दें, यस सर, पोटेंशियल सेम है तो जुड़ भी जाता है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को जब हम इधर फोल्ड करके ले जाएंगे तो मेरा फिगर जो बनेगा वो देखो। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस था, ये था ना इधर वाला,
अब हम इधर वाला, ये हमारा पॉइंट पी था और ये पॉइंट ओ था, और इधर वाले रेजिस्टेंस को इसको इसको और इसको, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट मान लो वन और टू, तो टू को हम इधर से उठा के यहाँ ले जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो तीन रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आके ऐसे जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाके ऐसे जुड़ जाएगा, और ये वाला इसके साथ ऐसे जाके जुड़ जाएगा। देखो तो सही है, ये तीनों जो ब्लू रंग से हाँ, सर। है, यस सर। है। अब जब हम ये कर दिए तो इधर वाले को हटा देते हैं, हटा दिए इधर, वन और टू एक साथ ही आ गया, क्यू एक साथ आया, समझ में आया। अब ये जो हमारा क्यू पॉइंट है, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे आर बाई टू, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया आर, ये कितना R. R by 2, ये R by 2, R by 2, और R by 2, हो गया R. ऐसा हो जाएगा, yes, sir. क्या? अब बताओ इसमें से तुम्हें क्या लगता है, किसी को हटाया जा सकता है? नहीं सर। ये R by 2 और R कैसे जुड़ा हुआ है? अबे ये R by 2 और R कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में R by 2, और ये R by 2 है, ये भी R by 2 है, और ये क्या है R, ये पॉइंट हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा O है। अब देखो कि ये 3R by 2 और R by 2 कैसे जुड़ा हुआ है, ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाए, समझ में आ रहे फिगर? इसमें से किसी रेजिस्टेंस को हटा नहीं सकते क्योंकि हर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हमारा पॉइंट पी हो गया, ये रेजिस्टेंस हमारा आर है, और ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया कितना 3R by 2 और R by 2, इस 3R by 2 into R by 2 divided by 3R by 2 plus R by 2, सही है, ये हो जाएगा 3R square by 4 divided by 4R by 2, it is 2R, सही है, अरे हाँ ना, R R कट जाएगा, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3R by 8, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ रहा R, ये पॉइंट हमारा हो गया O, और ये पॉइंट, सही है क्या? यस सर। हाँ सर। 3R by 8 और R कैसे जुड़ गया? सीरीज में। सीरीज कितना हो जाएगा? 11R by 8, ये हो गया 11R by 8, और R कैसे जुड़ा हुआ है पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल 11R by, अब कितना 19, हाँ सर, इज 11R by 19, दिस इज द आंसर, देखो रे समझा, जिस भी स्टेप में डाउट है बताओ ताकि पता तो चले कौन आ जा रहा है, 12 लोग हो गए, 12 से 10 हो गए, बंस कहाँ गया, हरामखोर बोलो, अरे ठीक है, चेक सर, इस स्टेप में डाउट है तो बताओ रे, देखो रे कोई डाउट है तो बताओ, नहीं समझ में आ गया क्या, चलो देखो, भव्य भी आज नहीं है, भव्य तो कहीं गया हुआ, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो क्या है, ये हमारे सामने ये क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दिया, तीन आइडेंटिकल रिंग है, ठीक है, देखो ये क्या हुआ, सुनो पहले क्वेश्चन समझा दे, ये तीन वायर है आइडेंटिकल, एक दो और तीन, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस आर आर आर, अभी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस को हमने गोला बनाया ऐसा, एक दो और ये तीसरा, बना नहीं ठीक से इसलिए बना के रखे, तीनों रेजिस्टेंस को हमने ऐसे गोला बना, ठीक है, और गोला बना करके इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दी, ठीक है, तुम्हें निकालना फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन बिटवीन ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज डी, डायरेक्टली अपोजिट दिस पॉइंट इज डी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड डी, ठीक है, तीनों वायर का रेजिस्टेंस आर 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 है, तीनों को हमने गोला बनाया, ए और डी पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर तुम सोच पाए तो, ठीक है,
क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है चलो हम बताएं कि तुम करोगे। अरे बस तू कहाँ चल जा, तो बीच बीच में रहे। सर वो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी उधर। हैं क्या बोलो? सर नेटवर्क इशू हो गया था, नेट डिस्कनेक्ट हो, नेटवर्क आ ही नहीं रहा था उससे। सही है, सही है। डिस्कनेक्ट करके फिर किया। 2R/3 इतना 2R/3 इतना जल्दी तो नहीं आया। ठीक है देखो हम समझाते हैं, सुनो पहले समझो। ठीक है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है उसके लिए हम थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं। ठीक है अरे सही, इस फिगर को उठा के अपन ले चलो बड़ा कर, या चलो इसको ऐसा करते हैं हटा देते हैं, इसको हम बड़ा करके समझाते हैं। ये हमारा जो फिगर है इसको देखो, ये हमारा फिगर है। ठीक है हमें रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड डी निकालना है, तो क्या करें? ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा डी। एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर? ठीक है अब देखो ये हमारा सेंटर, इसका इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये तीनों ट्रायंगल सॉरी सर्किल का सेंटर रहेगा। ये अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ऐसे ही जाएगा ना, देखते जाओ। ठीक है ये एंगल कितना है रे? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ये। अगर ये 60 डिग्री है तो इतने का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो? अबे लाल वाले अक्षर में दिख रहा है R/6। वेरी गुड। 360 डिग्री अगर होता तो रेजिस्टेंस होता है R। एक सर्किल का रेजिस्टेंस आ रही है ना, तो एक डिग्री में रेजिस्टेंस हो जाएगा R/360। तो 60 डिग्री में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटू 60 डिग्री। सो दिस इज R/6। मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया R/6, ये रेजिस्टेंस हो गया R/6, ये रेजिस्टेंस हो गया R/6। और ये रेजिस्टेंस देखो, ये तो लाल वाले समझ गए, ये लाल वाले तीनों रेजिस्टेंस R/6 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 के हैं, सही है? अरे है ना। अब यहां से अगर हम यहां का बात करें तो दिस रेजिस्टेंस इज 5R/6। ये रेजिस्टेंस यहां से यहां तक जो होगा इट इज ऑल्सो 5R/6, क्योंकि टोटल R है। और अगर ये वाला रेजिस्टेंस R/6 है तो ये कितना आ जाएगा? 5R/6। उसी तरह से यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा इतने दूर का, क्योंकि ये 5R/6 का आधा है, सो इट इज 5R/12। और इधर भी कितना हो जाएगा यहाँ तक? 5R/12। देखो तो सही है। अब हम इस फिगर को एक बार फिर से यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है ये तो बड़ा फिगर था, इसको हम थोड़े छोटे में बनाने का कोशिश करते हैं जो रेजिस्टेंस दिखाए। ठीक है क्योंकि सभी का ये गलत हुआ, अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और करना। नाउ अब देखो इसमें क्या आप कैसे बना रहे हैं फिगर। अपन बनाते हैं इसमें कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा ए है। ठीक है ये पॉइंट बी है। ठीक है ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। देखो पहला रेजिस्टेंस R/6 किससे जुड़ा हुआ है? ए बी से, तो ये रेजिस्टेंस हम जोड़ दिए R/6। ठीक है ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये भी जुड़ा हुआ है किससे? ए बी से, तो ये हो गया 5R/6। ये वाला और ये वाला हो गया। अरे ठीक है ए सी से रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R/6, और फिर ए सी से एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है 5R/6। ठीक है और बीसी से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R/6, और बीडी से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 5R/12, और यहां से एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है 5R/12। ये हमारा पॉइंट डी है और ये हमारा पॉइंट ए है। अब ये फिगर तुम समझ गए? इस फिगर को अगर हम और ध्यान से देखें तो 5R/6 और R/6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 5R/6 और R/6 कितना रहे? 5R/36। वेरी गुड 5R/36 समझ गए हो। तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसको कर देते हैं, इसको सीधा बना देते हैं 5R/36 और ये हो जाएगा 5R/36 है ना। अरे ठीक है अब तुम इसको अगर और ध्यान से देखो तो ये कैसा तुमको दिखता है? ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता है। अबे इधर से देखो
इधर इधर जाएगा मतलब ये बीच वाला रेजिस्टेंस क्या हुआ, गायब हो गया। क्यों गायब हुआ समझ में आया? ये वाला रेजिस्टेंस इस डॉटेड लाइन के बाव इधर का ट्राइंगल, इधर का पूरा फिगर और इधर का पूरा फिगर क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। तो सिमेट्रिकल है तो यहां से यहां कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको गायब कर देते हैं, समझ के बाद। तो ये गायब हो गया अपना। अब जैसे ही गायब किए तो ये दोनों रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5R/36 प्लस 5R/12 कितना हो जाएगा रे, 10R/18 जोड़ो रे 5R/9। अब बोलो, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5R/9 आएगा। और ये भी मतलब ये रेजिस्टेंस है 5R/9 और ये दोनों भी जोड़ के होता है 5R/9 और ये दोनों पैरेलल में है, सो व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी, दैट इज 5R/9 5R/18। दिस इज द आंसर। बकोरे सभी को क्लियर है? वेरी गुड, देख लो सर। बस एक बार ये बता दीजिए 5R/12 कैसे लिखा, बाकी पूरा आ गया। 5R/12 कैसे लिखा देखो। हाँ सर, ये आपने सर्कल के उस पार्ट का निकाला, वो कैसे आया? समझ गए भाई मन बुद्धि। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस को तुम देखो, यहां से यहां तक टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, ये हम जो घुमा रहे पेन तुमको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होता है? अबे ये R/6 ना बे। हाँ सर, लिखा हुआ है। अबे कितना लिखा हुआ है? हाँ सर 5R/6। यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस 5R/6 होता है। तो यस सर 5 कितना होगा रे, आधा। ये पूरा यहाँ से हरे रंग से बनाते हैं, देखो जाहिर, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस एक मिनट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस है 5R/6। तो ये पॉइंट तो बीचों बीच है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 5R/12। ये रेजिस्टेंस हो गया 5R/12 और ये भी उसका आधा 5R/12। बात समझ में आया क्या? आ गया सर, ठीक है, थैंक यू। बोलो रे आगे देखो, अभी और क्वेश्चन करना इसमें। अरे बको अरके, यस सर, तनिषा, अरे स्क्रीन पे कुछ काला काला आ गया है। देखो फिर से अब दूसरा क्वेश्चन करो, मिटा दें, वही क्वेश्चन है, सारा फिगर वही है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी, पॉइंट ए और पॉइंट सी के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो, समझ गए? पॉइंट ए और सी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन वही है, बस हमने एडी के जगह पे एसी ले लिया। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। बताओ रे, डी पॉइंट के जगह पे हमने सी पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और तुम्हें निकालना है रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी, सॉरी एसी। देखिए अब कौन कौन समझ गया, 5R/54 देखना रे, गलत होगा रे, थोड़ा सोच समझ करना। 35R/288 अलग अलग आंसर बता रहे हो रे, 35R/288 और रे क्या बोल रहे हो शिवा, अनुष्का 5R/54 ये तीन लोग बोले, और ठीक है, चलो देखो कितना रे, 5R/54 तो क्या करेंगे देखो। अब हम फिर से एक पॉइंट यहाँ बनाते हैं ए, एक पॉइंट यहाँ बनाते हैं बी, सॉरी ये सी है ना, और एक पॉइंट यहाँ बनाते हैं। अब देखते हैं क्या क्या रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है। पहला रेजिस्टेंस जो है ये वाला, ये R/6 है, तो एबी से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये है R/6 है ना, ये R/6। हाँ, और ये रेजिस्टेंस 5R/6 भी जुड़ा हुआ है एबी से, तो एबी से एक रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं 5R/6, ठीक है। और एसी से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 5R/6, ये हो गया 5R/6,
और ये भी है r by 6, है ना, ये r by 6 और 5 r by 6, उसी तरह से यहाँ भी r by 6 और 5 r by 6, सही है, ऐसे लिखा हुआ है और हमें निकालना है a और c के क्रॉस, ठीक है, यही करना है, क्लियर है। अब हम इसको फिर से b पॉइंट यहाँ लेते हैं, a पॉइंट यहाँ लेते हैं, c पॉइंट यहाँ लेते हैं, और ये 5r by 6 और r by 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा दोनों का 5r by 36 5r by 36 ये भी 5r by 36 और ये भी 5r by 36। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के क्रॉस, तो 5r by 36 5r by 36 सीरीज में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5r by 18 हो जाएगा ना। तो अब हम a पॉइंट और c पॉइंट के क्रॉस अगर देखें तो ये तो 5r by 36 है, बट ये दोनों जोड़ के 5r by 36 का डबल कितना होता है 80, ये दोनों पैरेलल में हो गया। नाउ टेल मी व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ये और ये पैरेलल में, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा रे 5r by 54 5r by 54 5r by 54 तो तीन चार लोग का सही था, मतलब समझ गए 5r by 54 सही है मेरे ख्याल से। ये अगर आंसर, अगर ये करके इतना आ रहा है तो दिस इज द राइट आंसर, तीन लोगों का सही था, समझ गए। हाँ सर। दासवर। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। देखो अब एक बारी क्वेश्चन क्या आ रहे रे, ठीक है, बारी क्वेश्चन ये है कि इस रिंग को जो तीनों वायर था ना उसको हमने ऐसे अरेंज किया, ये रिंग था, ये इसका सेंटर था, दूसरा रिंग को पास किए कि एक का सर्कमफेरेंस और दूसरे का सेंटर यहाँ, और तीसरे रिंग को पास किए कि इन दोनों के सर्कमफेरेंस से पास किया और इसके सेंटर पे आ गया, ये सेंटर ऑफ फर्स्ट है, सेंटर ऑफ सेकंड है, सेंटर ऑफ थर्ड, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दिया, फिगर समझ गए हो, ये सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग है, ये सेंटर ऑफ सेकंड रिंग है, ये सेंटर ऑफ थर्ड रिंग है, एक के ऊपर एक, समझ गए, ये पहले का सेंटर है, दूसरे का और तीसरे का सेंटर, और ए बी सी तीन पॉइंट, समझ गए, अरे समझ गए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, समझ गए, तुम्हें निकालना है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी, ठीक है, इस पूरे एक रिंग का रेजिस्टेंस जो है ये तीन वायर से बना हुआ और हर वायर का रेजिस्टेंस आर था, ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी, रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी इज रेजिस्टेंस अक्रॉस बीसी इज रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी, एबी के क्रॉस देखो या बीसी के क्रॉस देखो या एबी के बीसी, है ना, एसी के क्रॉस देखो, तीनों बराबर हो, ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, हाँ सर, बताओ क्वेश्चन क्लियर है सर, ओ जो है वो सेंटर है ना सर्कल का, हाँ तीनों सर्कल का सेंटर है, ओ ओ डैश ओ डबल डैश, क्या क्या होगा सुनो, पहले अपन निकाल लेते किसके क्रॉस निकालना है, रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी, ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, ठीक है, ए पॉइंट और सी पॉइंट को अपन लेते हैं, ये रेजिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है ना, ये R by 6, R by 6, ये R by 6 जिसको नहीं समझ में आएगा बोल देना R by 6, ये जितने छोटे पोर्शन है ये सब कितने होंगे R by 6, बोलो, हाँ सर, क्लियर है, हाँ सर, R by 6, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये R by 2, ये भी R by 2 और ये R by 2, है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री अटेंड करेगा ना, यहाँ पे सेंटर पे देखो ना, यहाँ से अगर देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, तो ये 60 डिग्री, तो ये लेंथ हमारा जो है r by 6, ये भी 60 डिग्री, ये r by 6, ये भी 60 डिग्री, ये भी r by 6, सही है, सारे छोटे वाले पार्ट जिसको नहीं समझ में आया वो बोल दो, फिर हम बना के बताएंगे, r by 6 क्लियर है, हाँ सर, अब यस सर, अब अपन क्या करते हैं कि पॉइंट्स दे देते हैं, एक पॉइंट यहाँ ए, यहाँ पर है एक पॉइंट ओ डबल डैश, यहाँ पर एक पॉइंट है सी, यहाँ पर है एक पॉइंट बी, और यहाँ पे ओ डैश, यहाँ पे ओ डैश है, और यहाँ
यहाँ पे ओ है और यहाँ ओ डैश, ठीक है, यहाँ ओ है और यहाँ पर ओ डैश है, और फिर अपन एक डायग्राम बना लेंगे किस तरह का डायग्राम बनेगा, है ना, ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस देखो, ये वाला एक एक रेजिस्टेंस काटते जाते हैं और उसको जोड़ते जाते हैं ना, ये रेजिस्टेंस को अपन हटाते हैं, ये किसके साथ जुड़ा हुआ, एओ से, ये एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब होगा आर बाय सिक्स, ठीक है, और कैपिटल आर का मतलब हम लोग मान लेंगे आर बाय टू, बराबर है, ठीक है। तो एओ से एक रेजिस्टेंस, ये ए ओ डैश से एक जुड़ा हुआ, ए ओ डैश से एक जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर, ये जुड़ा हुआ ओ डैश और सी से, इसको हटा देते हैं, ओ डैश और सी से ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आर स्मॉल आर, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ए सी से जुड़ा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस है आर बाई टू, ठीक है, आर बाई टू को हम आर डैश बोलते हैं, आर डैश सही। फिर ये हट गया, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ओ डैश और सी से जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओ डैश और सी से जुड़ा हुआ है, ये आर बाई सिक्स जुड़ा हुआ है ओ डैश और ओ डबल डैश और ओ से, ओ डबल डैश और ओ से ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर जुड़ा हुआ है, ये भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ओ डैश और ओ से, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिए स्मॉल आर, सही है, ये हो गया, ये ओ और ओ डैश से ये रेजिस्टेंस जो जुड़ा हुआ है इसको हटाते हैं, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे स्मॉल आर, सही है, ये जुड़ा हुआ है बी और ओ से, बी और ओ से एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ते हैं स्मॉल आर, फिर ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है बी और ओ डैश से, ये हो गया बी और ओ डैश से स्मॉल आर, सही है, ठीक है, और ए और बी से, ए और बी से जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये है आर डैश, और यहां से जो रेजिस्टेंस एक जुड़ा हुआ है ये वाला, ये है आर डैश, आर डैश मतलब आर बाई, और हमें ए और सी के क्रॉस निकालना है, फिगर क्लियर है, हाँ सर, ठीक है सर। बाइसिमेट्री, बाइसिमेट्री वी कैन से कि कौन कौन सा जंक्शन खुल सकता है, अगर हम देखें तो जंक्शन खोलने के नाम पे हम हरे रंग से बनाते हैं, ये जंक्शन खुल सकता है, हाँ सर, और यहाँ का जंक्शन भी खुल सकते हैं, खोल सकते हैं, हाँ सर, ठीक है, तो ये दोनों जंक्शन जब हम खोल देंगे तो हमारा फिगर जो बनेगा, अब कर लो इसके बाद कि हमको और समझाना है, सर कर लेंगे, कर लेंगे। अब ये ए हो गया, ये सी हो गया, अब देखो ये तो आर डैश यहाँ है ही आर डैश, और ये दोनों रेजिस्टेंस आर आर, ये आर डैश हमने बना दिया, ये आर और आर क्या हो गया, ये हो गया टू आर बाई टू, आर और आर आर टू आर ना रेजिस्टेंस ना, ये हमारे बैल कहीं का नींद में आ गए तो फिर जाए, ठीक है, और ये आर और आर, ये जो बाहर से ऐसे गया ये वाला बी तक गया और यहाँ से आया, ये आर डैश क्या हो गया, ये यहाँ टू आर डैश, तो इसको हम हटाई देते हैं, टू आर डैश डायरेक्ट लिख देते ऊपर, ये हो गया हमारा टू आर डैश, टू आर डैश सही, और ये बीच वाले जो रेजिस्टेंस हुए ये हमारा हुआ आर, ये वाला, ये आर और आर, ये आर, ये आर और ये आर, ये तीन हुआ आर आर आर, ये दोनों जो है आर और आर यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये हो गया टू आर, और ये नीचे से ये और ये जो जुड़ा हुआ है ये हो गया यहाँ से ऐसे टू आर, देखो तो फिगर, ये फिगर दिखता है, बोलो रे, हाँ सर, क्लियर है, अब कर पाओगे ना, टेल मी द आंसर, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड सी, क्योंकि अभी भी पता नहीं, स्मॉल आर का मतलब है आर बाय सिक्स और आर डैश का मतलब है कितना रे, आर बाय टू, आर बाय टू, ठीक है, आंसर बताओ जरा अभी भी निकाल के, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि अभी होगा, इसमें भी एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, ट्राई करो, किसी को डाउट है तो बोले, किसी को भी डाउट है किसी स्टेप में तो बोले, बोलो रे अनुष्का, अर्पित, दिव्यांश, नहीं सर, समझ मज में आता है, दिव्यांश बोलते नहीं करा, यस सर, सर आ गया, हाँ सर आ गया, आ गया, वेरी गुड, डू द कैलकुलेशन, तनीसा तुम्हारा आवाज नहीं आता रे, तनीसा बोला करो रे, हाँ माइक थोड़ा मुंह के पास ले जाके बोलो, 5 r by 36 कितना रे आंसर, बाकी लोग रे, रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी ये बोल रहा है
5R/36। आई डोंट नो आंसर, आंसर नहीं पता रे, ठीक है ये निकालना पड़ेगा तुमको, आंसर नहीं पता। एक आंसर बोल रहा है 5R/36, बोलो। अब आज निकलेगा शाश्वत, हाँ सर 5R/36, 5R/36। दिव्यांश, अक्षत, अदिति, अदिति बोलो रे, समझ में आता है अदिति? हाँ सर। देखो करो, थोड़ा कैलकुलेट करो। उषाग्र, यस सर। आ रहा है क्या, कितना आ रहा है? 5R/36 यही आ रहा, सभी का आ रहा है क्या? अरे कहो रे, 5R/36 आंसर नहीं पता हमें, सभी का हो गया? अनुष्का, अनुष्का हो गया क्या? कितना है रे? 5R/36 है। 5R/42 आ रहा है। अब देखो आरे कुशाग्र क्या बोल रहे हो, देखो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हमारा हो गया सी पॉइंट, ये हो गया R/2, आरडस मतलब R/2, ये 2R ऐसे ही रहेगा। 2R का मतलब कितना हुआ रे? R/6, R/3, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ऊपर वाला 2R है, मतलब ये हमारा हो गया कितना? R, ये वाला 2R' मतलब R, ये हो गया। अब देखो ये 2R, R और R, R/2, so R plus R/2 plus R is 5R/2, और R का मतलब होता है R/6, so it is 5R/12। एक और रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा, that is 5R/12। ये चारों रेजिस्टेंस समझ गए ये? अरे ये समझ गए? यस सर। ये चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सो 1/R' इज 2/R प्लस 3/R प्लस 12/5R प्लस 1/R, सही है? यहाँ 5 का झंझट है तो सब जगह 5 ला देते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5, सही है? सो R' हो जाएगा 5R/15, 12, 5, 20, 20 और 30 और 12, 42, 5R/42। अरे 36 कैसे आ रहे, चेक करो, गधो ही गलत आ रहा है, मारे ही लपड़। ये सही बोल रही है अनुष्का, अनुष्का बोल रही थी ना रे? अनुष्का का सही था, तुम लोग गलत बोल रहे हो, 5R/36 नहीं होगा, ये गलत आंसर है, कैलकुलेट के चेक करो पहले एक बार, चेक करो, तुम लोग को भरोसे छोड़ दे तो पूरा ही गलत कर दो, चेक करो सही हम किए हैं गलत किए हैं, किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम बताओ। सही है सर, अबे यही है 5R/42 है कि 5R/36 है? अरे सब टांगे दे। एक कुशाग्र, अक्षर चेक करो बे, किसी स्टेप में तुम्हें डाउट है कि कहां क्या किए हैं तो बता दो, इस क्वेश्चन में तुम्हें किसी स्टेप में डाउट है तो बता दो, क्लियर है? मान ले 5R/42, अरे कोई बोलता नहीं है तो समझ में नहीं आता रे। अगला क्वेश्चन कैलकुलेट, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस AO'। AO' मतलब A पॉइंट हमारा यहाँ पे है और O' पॉइंट हमारा ये। अब ये तुम लोग को करना है, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या? This is also equal to resistance across BO" resistance across CO। अरे है ना, देखो AO' के क्रॉस जितना होगा उतना ही BO" के क्रॉस होगा, उतना ही O और C के क्रॉस होगा रे, ठीक है? ये तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। अब तुम कैलकुलेट करके बताओ कि कितना होगा। अभी एक क्लास और लगे, अभी इनफाइनाइट नेटवर्क एक दिन पढ़ना है और दूसरा दिन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ना, मतलब दो क्लास सिर्फ इक्विवेलेंट में लगे। और एससी वर्मा और पैकेज का क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि एससी वर्मा और में अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सब एवरेज है, समझ गए? तो ये क्लास में अभी जो पढ़ रहे हो ये तुमको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है? देखो जरा बताओ क्लास है कहाँ तुम लोग करे अभी? नहीं सर, 6 बजे। 6 बजे बाकी, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग का किसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक छूटा हुआ क्या, डाइपोल वाइपोल, तो बता देना, सर लेक्चर तो तुम लोग को भेज दे क्या। चलो इसको करके लाओ, फिर अब हम अगले दिन देखते हैं, क्योंकि अभी और कई क्वेश्चन कराने हैं इक्विवेलेंट के। इसको तुम लोग ट्राई करके आओ। अरे सही रे, कौन चैट? हां सर, हां सर। 5R/7, अक्षत ये 5R/7 तो नहीं लग रहा, चेक करके आना जरा।
ठीक है सर, वो पिछले वाले में दिया था, पिछले वाला तो गलत था ना रे गधे। नहीं सर, मैंने स्मॉल आर में दिया, उसको बिग आर में करेंगे तो वो 5r/42 हो जाएगा। अरे वाह, ठीक है चलो बढ़िया, देखो रे जरा। चलो अगले दिन पढ़ते हैं, है ना, दूसरा क्लास है तो इसको अगले दिन अब पढ़ाते हैं तुम लोग को, कुछ लोग का बंस वंस तो भग गया।